सतनाम श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु साहिब जीओ संत सहाई जी के पग जल तारण हार सब ते उचे जानी है नानक नाम प्यार हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना तुसी बोलियो अंतर जामी पुरख विदाती अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दा सुख मांगे मोको कर संतन की पूरे मैनू तूड़ बना दे रबायो नादी मैनू तूड़ बना दे रबायो जेड़े तेरा नाम जप दे तूड़ बना दीर बायो नाम जी जेड़े तेरा नाम जप दे बड़ा दीर पायो नादी
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर आ करके जुड़ बैठे सरबत माई और भाई आओ। सब तो पहला दोवें हाथ जोड़ो, सतगुरु जी नूं शीश झुकावो। दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश दोहराइए। एक बारी कहते दोवें हाथ जोड़ो, शीश झुकावो, निम्रता सहित आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह। आओ आप संतां बहुत ही सत्कार योग सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा मान सिंह जी पिहोवे वाले महापुरख उन्हां दी याद नूं मुख रखदिया होया परसों रोज तो तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जांदे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होए सन। गुरु साहब जी की महान कृपा रहमत हुई है संपूर्णताई भोग पाए गए आप संगतां इस समय कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना दे महावाक अनुसार कलयुग का जो श्रेष्ठ कर्म करना है कीर्तन है उस भगति विच आकर के जुड़ बैठे हो। सतगुरु जी की कृपा हुई है। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई ज्ञान सिंह जी उन्हां दे समूह रिश्तेदार परिवार मित्र दोस्तों ने मिल कर करके महापुरखों की याद विच आ करके जुड़ बैठे हो प्यारे हो जिन्हां दी याद विच आ करके जुड़ बैठे हो किते उन्हां दे जीवन वल ध्यान मारीए उन्हां दे अपने जीवन दे विच आ के कीता की है वो की अजिहा करके गए ने संसार दे विच जिस करके संसार उन्हां दीआं यादां मना रहा है जिस करके यार संसार उन्हां नूं चेते करके रोंदा है वो की करके गए ने इहो जिहा संसार ते उन्हां ने प्यारे गुरु नानक दा हुक्म मन्निया है आप जपै अग्रह नाम जपावै उन्होंने आप नाम जपया संसार दे विच आ करके ते जिथे आप जपते रहे ने जिहड़े संसार दे भुले भटके लोग सी गलत राहां ते तुरन वाले लोग सी ना फिर उन्हां नूं भी गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़े आखो जी सतनाम श्री वाह साधु ना जे हुंदे किने पीड़ा सी समुद्रां नूं साधु ना जे हुंदे जांदा सगरां दा मारना साधु ना जे हुंदे किने जप तप करना सी साधु ना जे हुंदे लोको तरदा जहान दा। महापुरखां दी वडियाई कहते जे साधु ना होंदे संसार ते तां समुद्रां दा माण किवें टुटदा जे साधु ना होंदे संसार ते प्यारिओ जप तप किने करना सी तुसी गुरु नानक तो आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो आके सब कुछ मंग लवोंगे पर माफ करना प्यारिओ वो परमात्मा तुहानू भगती नहीं दे सकदा वो भगती कित्थों मिलेगी वो भगती मिलेगी रब दे प्यारिआं कोलों। प्यारिओ जे कोई सौदा लेना होवे ना जे किरियाने का समान खरीदना है किरियाने की दुकान पर जाना पवेगा जे आटा लेना है तो चक्की पर जाना पवेगा जे भगती लेनी है ना फिर महापुरख को जाना पवेगा। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मैं नहीं कहता खुद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते ने गोबिंद भाओ भुखा भुखा वो जेड़ा अकाल पुरख परमात्मा आप भगती का भुखा है प्यारे हो किसी ने भगती दे देगा वो भगती कितों मिलेगी वो भगती मिलेगी रब दे प्यारे साधु महापुरखों को जिन्होंने अपना जीवन हंडाया है अपना जीवन बनाया है ते संसार दे विच रह के प्यारे हो लखां दा ही जीवन बनाया है गिणती है कोई कोई गिणती नहीं। कई संसार दे विच ऐसे भी होणगे प्यारे हो जिन्होंने शरीर करके कदे उन्हां दी संगत नहीं कीती पर फिर भी प्यारे हो किवें ना किवें असीं उन्हां दे बचन सुनदे हाँ मोबाइलां राहीं सुनदे हाँ टीवियां राहीं सुनदे हाँ गुरमुखां राहीं उन्हां दे बचन सुनदे हाँ वो भी प्यारे गुरु नानक दे चरणां नाल जुड़े ने क्यों क्योंकि प्यारे हो जिहड़ा काम जिहो जिहा कोई करदा होवेगा उहदा असर दूजे दे उवें दा ही होणा है। जिहड़ा चोर होवेगा ना जे कोई चोर दी संगत करेगा उन्हें अपने नाल फिर चोरे रलाने ने प्यारे हो जे गुरमुख दी संगत कोई करेगा ना उन्हें अपने नाल गुरमुख ही बनाने ने। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। उन्हें गुरमुख बनाने ने साधु बनाने ने महापुरख बनाने ने एवें ही सत्कार योग महापुरख संत बाबा मान सिंह जी कोई गिणती है
कितनों नूं संसार दे विच आके खंडे बाटे की दात बख्शी है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां नाल जोड़िया है, कोई गिणती नहीं। कितनों नूं कीर्तनीय बनाया इहदी गिणती है, कोई गिणती नहीं। प्यारे हो आ इक धारना पढ़िए गज वज के, फिर आपां विचार आरंभ करिए। ओ रब तेरी सुनदा ए फकीरा, एक मेरी अर्जी पावे। पता नहीं प्यारे किन्नियां दियां अर्जियां, किन्नियां दे पापां दियां अर्जियां उस अकाल पुरख दे चरणां विच पा के वो पाप मिटाए होंगे। वो ये ना सोचियो प्यारे वो शरीर करके ओला कर गए ने, ना ना। सतगुरु जी की बाणी कहती है नाम रहो साधु रहे, कहते संसार दे विच एक नाम रहना है, एक साधु रहना है, रहे हो गुर गोबिंद जा ओ परमात्मा रहना है। आप वो इस संसार दे विच ही रहने ने प्यारे हो, वो किते नहीं गए, शरीर करके ओला किता है, पर वो जोत करके इस संसार दे विच विचर रहे ने। वो प्यार वालियां तो किते दूर नहीं, वो प्यार वालियां दे हिरदियां दे विच हमेशा वसणगे। वो एवें नहीं प्यारे फिर अज यह यादा मनाई जा रही, ये यादा ही ताई मनाईया जा रही ने, जे उन्हां दे हिरदे विच उन्हां दा महापुरखां दा वासा है। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂਛਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਝਗੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਹਾਂਡਾ ਹਰਨਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਮ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਏ ਪਰਖਦਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੀਰਥਾ ਏ, ਮੰਝਗੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਏ, ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਏ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਢਾ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
कहते एक दा बनना पवेगा जी दर दर दा फिर ना छड़ के एक दर दा हो के महाराज फिर अपने चरणों नाल ही जोड़ लियो। कहते भाई मांझ जी एवें नहीं, कहते जे कोई बच्चा स्कूल दे विच दाखला लेंदा है ना फिर परचे भी पैंदे ने पेपर भी पैने ने। कहते महाराज जी कृपा कर दियो फिर पास भी तुसी कराना है। कहते एवें निम्रता दे नाल बेनतियां करदा है भाई मांझ जी। कहते सतगुरु जी ने फिर जांच दे दित्ती भाई मांझ जी अमृत वेले उठ के इशनान पानी करना है, उस अकाल पुरख की उस्तत करनी है, नितनेम करना है, बाणी पढ़नी है, किरत करनी है, दसा नोहा की सुची सुची। कहते सत बचन कह के भाई मांझ जी अपने नगर वाल वापस चले गए। जांदिया नगर के विच रोला पै गया। वो कहते की साड़ी चौधर करेगा। कहते ये तो आप कहते साढ़े पीर नू छड़ के किसी होर दर दे लड़ लग गया, ये सांभ लवेगा सानू। कहते कहते उस एरिए दे मौत बार लोग कट्ठे हो के भाई मांझ जी कोल आए। भाई मांझ जी कहते हले भी समा है, कहते पीर जी तो माफी मांग लै तेनू बख्श देणगे। वो भाई मांझ कहता है कहते मैं तो बस उस अकाल पुरख परमात्मा तो एक माफी मंगनी है, बख्शाउना है। कहते मैनू तो मेरा मुरशद मेरा पीर मिल गया। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वो
भाई मांझी जी नूं कहिंदे ने ठीक है भाई मांझी जी कुछ समा सोच लै थोड़े दिन तक फिर आवांगे असीं तेरे कोल। कहिंदे कह के चले गए। कहिंदे पिछों भाई मांझी जी ने की किया, कहिंदे अपनी घरवाली नूं नाल लिया ते कबर पुट के बाहर सुट दिती। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। कहिंदे कबर पुट के घर तो बाहर सुट दिती। कहिंदे फिर हाहाकार कहिंदे एरिए दे विच मच गई। लोग कट्ठे होके आ गए, डंडे सोटे लेके आ गए। कहिंदे भाई मांझी जी ठीक है तुसीं पीर जू नूं नहीं मनदे छड गए। कहिंदे हुण तुसीं उहनां दी कबर भी पट दिती। कहिंदे जाओ अज तो असीं तुहाडा हुक्का दाणा पाणी बंद कर दिता, तुहाडे नाल साडा कोई मिलवर्तन नहीं। उह कहिंदे संसार दे लोग भावें छड जाण, कहिंदे पर मेरा गुरु ना मैनूं छड्डे। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कहिंदे मेरा गुरु ना ही मैनूं छड्डे, बस इह बेनतियां करदा है भाई मांझ। कहिंदे इह संसार दे लोक ने अज किसे दे ने कल किसे दे ने महाराज। ओ कोई किसे दा इत्थे कोई मैनूं जांच आ गई है पातशाह जी। इह संसार दे लोक कल मेरे सी, अज किसे होर दे ने परसों किसे होर दे होणगे। मैनूं अज पता लग गया। ओ कोई किसे दा इत्थे कोई मेरा इक तू ही मालका। Oh,
महाराज जी किसे दा कोई है किसे दा कोई है, हुण मेरी लाज तुसी रखनी है, भरोसा है प्यारे सतगुरु जी ते। कहिंदे की कीता पिंड दे लोकां ने एरिए दे लोकां ने, कहिंदे इन्हां नूं नगर तों बाहर कढ दिओ, इन्हां दा नगर दे विच रहण दा कोई हक नहीं। कहिंदे उन्हां दी बच्ची है, उन्हां दी पत्नी है ते भाई मंज जी आप, कहिंदे तिन्नां नूं कहिंदे नगर तों बाहर कढ दित्ता। कहिंदे फिर की कीता, कहिंदे जाके जंगल दे विच इक झोंपड़ी पाई है कानियां दी, कहिंदे उत्थे बैठ के भी उस परमात्मा दा शुकराना करदे ने, नाम जपदे ने, बंदगी करदे ने, ते हुक्म है किरत भी करनी है। कहिंदे जांदे ने जंगल दे विच ते जाके कहिंदे घा वड्डदे ने, घा वड्ड के बाजार दे विच बेच के जो भी आना मिलदा है ना, कहिंदे उहदे विच घर दा राशन लिया के परिवार दा पेट पालदे ने, परमात्मा दा शुकराना करदे ने हर समय। कहिंदे शुकराना करदे ने, बंदगी करदे ने, किरत करदे ने, सतगुरु जी दा हुक्म मन रहे ने भाई मंज जी। कहिंदे प्यारे हो, एक दिन होया कि सतगुरु जी अर्जन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे अपने एक सिख नूं कहिंदे ने, जाओ भाई मजगी नगर दे विच मेरी चिट्ठी लेके जाओ, ते उत्थे मेरा एक सिख रहिंदा है भाई मंज, जिसनूं लोग तीर्था कहिंदे ने, आ उसनूं चिट्ठी दे दिओ, ते चिट्ठी देण तों पहलां 2 टके लेने ने, एवें चिट्ठी नहीं देनी। कहिंदे सिख सत बचन कह के भाई मंज जीआं दे नगर विच पहुंचिया, जाके पुछदा है इत्थे कोई तीर्था रहिंदा है, किसी ने दसना किता, कहिंदे जंगल दे विच कहिंदे झोंपड़ी पई है कच्ची, कहिंदे ओह भाई तीर्थे दी है, कहिंदे उत्थे ही मिलेगा। कहिंदे गए ने, कहिंदे चाह चढ़ गया, कहिंदे गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल सिखी आया है, कोई दर्शन होए ने गुरु दे सिख दे, ते माफ करना अज दे समय विच कहिंदे जे कोई गुरु दे सिख दे दर्शन होंदे ने ना, पता नहीं मन दे विच असीं की उन्हां बारे विचार सोचदे हां, पता नहीं की कुछ बोलदे हां। कहिंदे चाह चढ़ गया मन दे विच कि गुरु दा प्यारा आया है, दर्शन किते ते बैठण लई आसन दिता, कहिंदे की सेवा लाई है सतगुरु जी ने, पुछदे ने भाई मंज जी, कहिंदे भाई तीर्थे आए, भाई मंज जी सतगुरु जी ने चिट्ठी भेजी है, हुक्मनामा आया है थोड़े लई, कहिंदे दिओ, कहिंदे सतगुरु जी का बचन है पहला 2 आने लेने ने सेवा दे लई। कहिंदे ठीक है, कहिंदे घर दे घर वाली नूं पुछदे ने घर दे विच कोई माया है थोड़ी बहुती, घर वाली कहिंदी घर दे विच तां माया कोई नहीं, जो तुसीं कमा के लेके आंदे हो उहदा राशन आ जांदा एक टाइम दा, कहिंदे माया तां कुछ भी नहीं है। कहिंदे ऐदां करो, कहिंदे सतगुरु जी दा हुक्मनामा आया है, वह हुक्मनामा लेना भी जरूरी है, पर माया है नहीं। कहिंदे अपनी घरवाली नूं नाल लिया ते नाल लिजा के ना नगर दे सेठ कोल गए ने, कहिंदे सेठ जी, कहिंदे मैनूं 2 आनियां दी जरूरत है, जरूरी जरूरत है मैनूं बहुत, कहिंदे 2 आने दे दिओ, आ मेरी घरवाली नूं इत्थे रख लो, तुहाडे घर दे विच झाड़ू पोचा कर दिया करेगी जदों तक मैं आप जी दे 2 आने नहीं मोड़ देंदा। ओह सेठ कहिंदा कोई गल नहीं, एवें ही ले जा, 2 आनियां दी गल है, तू जदों हो उदों मोड़ देवी। कहिंदे नहीं, कहिंदे मेरी घरवाली तुहाडे घर दे विच रह के काम करेगी, जिस दिन पूरे हो गए उस दिन मैं इस नूं ले जावांगा। कहिंदे भाई मंज जी 2 आने ले के वापस आए ने अपने घर, ते सिख नूं 2 आने दे के हुक्मनामा लिया, मत्थे नूं लाया, कहिंदे मन चाह चढ़ गया कि सतगुरु जी ने दासरियां लई कहिंदे हुक्मनामा भेजिया है। कहिंदे समा बीतदा गया, फिर भाई मंज जी एवीं अमृत वेले उठदे ने, नितनेम करदे ने, बाणी पढ़दे ने, शुकराना करदे ने उस अकाल पुरख परमात्मा दा, फिर जाके जंगल दे विच घा वड्डदे ने, बेच के कहिंदे अपनी बेटी दा ढिड पालदे ने, कहिंदे राशन लिया के खाना खाते ने। कहिंदे एवें समा बीतदा गया, एक दिन फिर सतगुरु जी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहिंदे सिख नूं बुलाया कोल, कहिंदे जाओ
एक हुक्मनामा होर लेके जाओ भाई मंझ जी कोल। कहिंदे इह हुक्मनामा भी उवें ही देना है, पहला दो आने लेने ने, कहिंदे फिर हुक्मनामा देना है। कहिंदे गया है सिख, कहिंदे फिर मन बागो बाग हो गया, कहिंदे मन विच चा चढ़ गया कि गुरु का सिख आया है, दर्शन किते ने, बैठण लई आसन दिता। कहिंदे की हुक्म है? कहिंदे सतगुरु जी ने हुक्मनामा भेजिया है, कहिंदे दो, कहिंदे उन्हां दा हुक्म है, पहला दो आने लेने ने, फिर हुक्मनामा देना है। कहिंदे घर दे विच फिर कोई माया नहीं, कहिंदे अपनी धी नूं लिया नाल, ते फिर सेठ कोल गए ने, कहिंदे सेठ जी दो आनिया की होर जरूरत है, आ मेरी बच्ची आ मेरी धी है, ये भी अपनी मां दे नाल लैके कोई ना कोई कम कर ले करेगी, थोड़े घर दे विच मैनूं दो आने दे दिओ। वो सेठ कहिंदा कोई गल नहीं, तू अपनी बच्ची नूं ले जा, छोटी बच्ची है की कम करेगी, तू दो आने भी ले जा, बच्ची नूं भी ले जा। कहिंदे नहीं, जिस दिन पैसे मेरे कोल होणगे ना, मैं अपनी धी ते अपनी घरवाली नूं ले जाऊंगा, मैनूं दो आने दे दिओ, सतगुरु जी का हुक्मनामा है। कहिंदे सिख भाई तीर्था दो आने लेके अपनी झोंपड़ी दे विच वापस आया, उस सिख नूं कहिंदे दो आने दिते, हुक्मनामा लिया, मत्थे नूं लाया, वह सिख चलिया गया दो आने लेके। कहिंदे जाके सतगुरु जी नूं सारी वार्ता दसी है कि किवें दो आने दिते ने उसने लेके। इधर भाई तीर्था जी कहिंदे वह हुक्मनामा पढ़ता है, उसके हुक्मनामे दे विच लिखिया है, भाई तीर्था जी कहिंदे हरिमंदर साहब जी की धरती से कहिंदे सेवा चल रही है, कहिंदे सेवा दे विच जरूरत है, तुसीं आ जाओ। कहिंदे मन दे विच चा चढ़ गया कि सतगुरु जी नूं इह निमाणा जिहा सिख भी याद है। कहिंदे भाई तीर्था जी कहिंदे सब कुछ छड्ड के अमृतसर साहब जी की धरती वाले चाले पा दिते, जाके सतगुरु जी के दर्शन दीदारे किते, ते महाराज जी कहिंदे ने जाओ भाई तीर्था जी लंगरां दे विच सेवा करो। कहिंदे सेवा करदे ने भाई तीर्था जी, समा बीतदा गया, कहिंदे सतगुरु जी ने भाई तीर्था नूं अपने कोल बुलाया, भाई तीर्था जी की करदे हो? कहिंदे महाराज जी लंगरां दे विच सेवा करदा। कहिंदे प्रशादा पानी कित्थे छकदे हो? सुनो प्यारे ध्यान दे नाल, कहिंदे प्रशादा पानी कित्थे छकदे हो? कहिंदे महाराज जी लंगरां दे विच ही छकदा, कित्थे छकना मैं? कहिंदे तीर्थिया सेवा भी करदा है, जिन्नी कु सेवा करदा है उहदे बदले प्रशादा छक लैंदा है, इह तेरी सेवा कहिंदे किसे हिस्से नहीं, कहिंदे इहदा तैनूं कोई फल नहीं मिलना, जिन्नी सेवा करदा है उहनां तों प्रशादा छक लैंदा। कहिंदे समझ गया भाई तीर्था कि सतगुरु जी की वचन करदे ने। कहिंदे फिर कहिंदे भाई तीर्था जी जाके लंगर दे विच प्रशादा छकदे ने, ते फिर सत कहिंदे प्रशादा कित्थे छकदे ने? कहिंदे एवें लंगरां दे विच सेवा करदे सतगुरु जी एक दिन फिर बुलाउंदे ने, भाई तीर्थिया की करदा है? कहिंदे महाराज जी लंगरां दे विच सेवा करदा। कहिंदे प्रशादा कित्थे छकदा? कहिंदे महाराज जी जिहड़ी संगत दी जूठ हुंदी है ना पत्तलां दे विच, ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਠ ਛਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੂਠ ਛਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੀਰਥਿਆ ਇਹ ਜੂਠ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਜੂਠ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਕਰ ਆ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਗਊ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਤੀਰਥਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰਨੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹਮਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ।
असी भी दरगाह दे विच तुहाडी हमद भर सकदे। फिर ये भाई तीर्थे नूं नहीं कल्ले नूं प्यारे समझांदे महाराज जी, ये सानूं भी समझांदे ने। कहिंदे पराया हक खाओगे, किसे गुरु नूं किसे पीर नूं किसे पैगंबर नूं मन्नी जायो, कोई नहीं खड़दा इहदे नाल दरगाह दे विच। कहिंदे भाई तीर्था जी समझ गए, कहिंदे सत बचन महाराज प्यारे जी अपने वर्गा हुंदा ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਆ ਪਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਕ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਡ ਘਾਹ ਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਨਾ ਟਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਹ ਉਹ ਪੰਡ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਕੜ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੂਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੱਕ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ
सतगुरु जी दे घर विच देर है अंधेर नहीं प्यारियो, गुरु नानक दे घर विच ना देर है ना अंधेर है, वो तो तैयार बैठने आने लई बस कोई बुलाउण वाला चाहिदा है। कदे गुरु नानक दे घर विच भी देर हो सकती है, कदे गुरु नानक दे घर विच भी अंधेर हो सकता है प्यारियो, नहीं नहीं ये प्यारियो साडे हिरदयां दे विच देर है ते अंधेर है। जदों मन करके गुरु नूं बुलावांगे तां गुरु आउंदा जरूर है, कोई बुलाउण वाला चाहिदा है। कहिंदे भाई मंझ जी बेनती कर रहे ने पातशाह जी किसे सिख नूं भेज दिओ, ये नहीं पता। कहिंदे कुल कायनात दा मालक पंजवां गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आप नंगे पैरी दौड़े आ रहे ने। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कहिंदे सतगुरु जी खूह दे कोल पहुंचे ने, कहिंदे पिछे पिछे सेवादार जोड़ा लेके आ रहे ने, पातशाह जी जोड़े तां पा लो। कहिंदे छड्डो जोड़े नूं, कहते पहला मेरे सिख नूं बाहर कढ़ो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मेरे सिख नूं बाहर कढ़ो पहला। कहते सतगुरु जी ने रस्सा लिया आप ते खूह दे विच रस्सा लटकाया। भाई तीर्था जी कहते रस्सा फड़ के बाहर आ जाओ। कहते आवाज सुनी है, ये तो आवाज सतगुरु जी की है। कहते महाराज जी कहते तुसी निमाणे दे सेवक लई आप आ गए ने, किसे सिख नूं भेज दिंदे? कहते किसे सिख नूं भेज देंदे पातशाह जी? कहते भाई तीर्थ आ तू छड्ड दे सारियां गल्लां, रकड़ां छुट्ट दे ते रस्सा फड़ के बाहर आ जा। कहते महाराज जी पहला तां रस्सा किसे सिख नूं फड़ा दिओ ते मैनू बाद विच कढ़िओ, पहला लकड़ां कढ़नी जरूरी ने। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कहते नहीं नहीं तीर्थ आ तू लकड़ां सुट दे ते आप रस्सा फड़ के बाहर आ जा। कहते भाई तीर्था जी ने कहते लकड़ा रस्से दे नाल बन दित्तियां, जदों रस्सा खिचिया ना कहते की वेखदे ने सिख, ये वेखणगे कि लकड़ा सुटदियां होणगियां कि भाई तीर्था जी आप रस्सा फड़ के आ गए होणगे उपर। कहते जदों वेखदे ने कहते रस्से दे नाल लकड़ा बनिया हुईयां ने। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कहते लकड़ा बनिया हुईयां वेख के कहते बैराग आ गया। कहते इन्नी निम्रता, इन्ना प्यार सतगुरु जी लई।
कहिंदे फिर भाई तीर्थे नूं बाहर कढ़िया, जदों बाहर कढ़िया सतगुरु जी ने घुट के सीने दे नाल ला लिया, भाई तीर्था जी कहिंदे धन है थोड़ी सेवा, कहिंदे धन है थोड़ी कमाई, कहिंदे सीने दे ला के नाल ला के महाराज जी पुछदे ने, कहिंदे भाई तीर्थिया मंग लै कुछ, कहिंदे महाराज जी कुछ नहीं चाहिदा, कहिंदे सीने दे नाल ला के कहिंदे सारा संसार ही मैनू दे दिता तुसी, कहिंदे भाई तीर्थिया मंग लै, कहिंदे महाराज जी दूजी बार पुछ के तुसी उस दरगाह का सुख भी मैनू दे दिता, मैं की मंगा, कहिंदे तीजी बार फिर महाराज जी पुछदे ने भाई तीर्थिया कुछ मंग लै प्यारे, ओ ध्यान दिओ सतगुरु जी ये भी भाई तीर्था जी मंग सकते सी कि पातशाह जी मेरा परिवार सेठ कोल गहने धरिया है उन्हां नूं छुड़ा लियाओ, पातशाह जी मैनू नगर दे विच कढ दिया मैनू घर बना के दे दिओ, ये भी मंग सकते सी, कहिंदे महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, कहिंदे मंग लै कुछ, कहिंदे पातशाह जी जे तूठे हो ना कुछ देना है ना, कहिंदे एक चीज दे दिओ, कहिंदे की राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे, प्यारे साडे वर्गा हुंदा ना कोई, जे सतगुरु जी एक बारी पुछ लेंदे मंग लै कुछ, प्यारे लिस्ट एडी बन जानी सी गिणती नहीं सी होनी, ते भाई तीर्था कहिंदा महाराज जी अपने चरणा का बस प्यार बख्श दियो, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु, कहिंदे अपने चरणा का प्यार बख्श दियो, कहिंदे फिर सतगुरु जी ने वर दिता भाई तीर्था जी, कहिंदे जेड़े लंगर की तू सेवा करदा है ना, कहिंदे लै फिर चेते रखी अज तो तेरे नगर दे विच तेरे नां दे देसी घिओ दे लंगर चलिया करनगे, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यारे जिन्हां ने सेवा कीती है जिन्हां ने बंदगी कीती है कहिंदे भाई तीर्थिया मंग लै कुछ, फिर पुछदे ने कहिंदे कुछ होर मंग लै, कहिंदे महाराज जी चरणा दे विच बेनती है, कहिंदे की, कहिंदे इस निमाणे जे सिख नूं तुसी सिर ते हथ रख के कहिंदे 100 नंबर दा परचा पाया सी 100 दे विच 100 दे के पास किया है, ये अगे आन वाला कलयुग का भयानक समय महाराज कृपा कर दियो, अपने बच्चों के सिर ते मेरा भरिया हाथ रख के तेतिया ते ही पास कर दिया करियो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहिंदे इन्ने परचे ना पायो पातशाह जी कलयुग का सिख है कितने डोल ना जावे, ये हुंदा है प्यारे साधु, ये हुंदा है महापुरख जिसने बंदगी की नाम जपिया किरत करी सेवा की अपने लिए कुछ नहीं मंगया फिर भी संसार के लिए मंगते ने, ऐसे सन संत महाराज संत बाबा मान सिंह जी पिहोबे वाले महापुरख जिन्हां ने अपने लिए नहीं प्यारे कुछ मंगिया, जितना समा सी शरीर करके सेवा दे विच सिमरन दे विच बंदगी दे विच अपना जीवन लाया, जितना समा सी हो सके जिन्हां नूं हो सके जोड़ दईए गुरु नानक दे चरणां नाल, बस जितनियां नूं हो सके बस खंडे बाटे दी दात छका दईए, ऐसी कमाई उन्हां महापुरखां दी जिन्हां नूं अज याद करदे हो, फिर उन्हां दे प्रथाए गुरु नानक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहिंदे ने धन 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 जने आया जिस प्रसाद सब जगत सब जगत तराया, पहले धन का अर्थ विद्वान करदे ने कहिंदे रब दे प्यारे महापुरख संसार दे विच आउंदे ने, जदों संसार दे विच आउंदे ने संसार उन्हां दा आउणा मनांदा है, कहिंदे उन्हां दा आउणा नाम जपाउणा धन है, दूजे धन का अर्थ कहिंदे संसार दे विच रह के अपने चरणा नाल नहीं जोड़ते अपने शरीर नाल नहीं जोड़ते हमेशा उस अकाल पुरख के चरणा नाल जोड़ते ने, उन्हां दा आउणा भी धन है विचरना भी संसार दे विच धन है प्यारे ओ। तीसरा धन जदों शरीर करके संसार दे विचों जांदे ने फिर भी संगतां नूं एवें नाम ही जपाउंदे ने, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर उन्हां दा संसार दे प्यारे ओ जाना भी धन है, से प्यारे जिन्हां दी यादां विच आ करके जुड़ बैठे हो ना उन्होंने अपना जीवन लेखे दे विच लाया है, आपां आ बेनती करके फिर नाल ही समाप्ति करिए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। एहे जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लाई मालका, एहे जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लाई मालका, एहे जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लाई मालका, एहे जन्म तुम्हारे लेखे
याद विच बैठिया जिन्हां ने अपना जीवन आप जी के चरणों के नाल लाया है, आप जी के लेखे लाया है, कृपा कर दिओ एक कण मात्र ही बस उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां दे चलण दी कृपा कर दिओ। यह बेनती सतगुरु जी के चरणों में बेनती करिए प्यारे हो, जदों कदे भी सतगुरु जी तो मंगना है की मंगना है, तेरी बने खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीदा खैर महाराज जी कृपा कर दिओ, अपने दर घर की सेवा बख्श दिओ, अपने दर की बंदगी बख्श दिओ, नितनेम दियां दातां अपने सतपुरशां दे दीदारे बख्श दिओ। आओ बहुत ही सत्कार योग महापुरख संत बाबा सुरजन सिंह जी रोपड़ वाले पहुँच चुके ने, जिन्हां ने आप संगतां नूं गुरमत विचारा राही निहाल करना है। दस रहा पासों आप संगतां दे जोड़े झाड़दियां होया एक नहीं बेअंत गलतियां हो गई होणगियां, जाण बच्चे समझ के माफ कर देना, कोई चंगा बचन लग्या होवे गुरु नानक दा मन के प्यारे पल्ले नाल बन के लेके जायो, अमल करन दी कोशिश करियो, किसी दी शान दे खिलाफ कोई वचन किया होवे दास दी झोली दे विच पाणा। बुलाओ जी फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा।